गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के वचन निभाने वाले बयान को लेकर कहा कि वास्तविकता में दिग्विजय सिंह ने यह कटाक्ष कमलनाथ पर किया है। कमलनाथ ने अपने किसी भी वचन को पूरा नहीं किया है। भाजपा ने जो वादे किए थे उनको निभाया है, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। उन्होंने कांग्रेस को आत्मशुद्धि करने की भी सलाह दी। दिग्विजय सिंह के वचन ना निभाने वाले बयान को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ ने जो वादे जनता से किए थे उसमें से किसी को भी पूरा नहीं किया गया। कमलनाथ सरकार ने ना तो किसानों का कर्ज माफ किया, ना बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया, बल्कि भाजपा ने अपने हर वादे को पूरा किया है। भाजपा ने लाडली लक्ष्मी योजना चलाई, किसानों के हित में योजनाएं बनाई, कन्या विवाह योजना चलाई। उन्होंने कहा, हमने वचन दिया था 370 हटाने का, उसको हटाया गया। राम मंदिर निर्माण, तीन तलाक मुद्दा, सब वादे पूरी तरह से निभाए गए हैं। शिवराज सरकार ने दिग्विजय सिंह ने जो बीमारू राज्य दिया था उसको भी विकासशील राज्य बनाया। उन्होंने कहा, दिग्विजय ने यह कटाक्ष असल में कमलनाथ पर किया है, उन्होंने एक भी वचन नहीं निभाया है। उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में कि वचन निभाने की बात। दरअसल ये उनका अप्रत्यक्ष माननीय कमलनाथ जी पर कटाक्ष है, क्योंकि केंद्र की जो सरकार है उसने तो जो वचन दिए थे वो पूरे कर दिए। उनने वचन दिया था कि एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे। उनने वचन पूरा कर दिया, 370 हटा दी, 35 से हटा दी। नहीं रखाऊंगा, उनका वचन था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, प्रारंभ हो गया। उनका वचन था तीन तलाक हटाएंगे, हटा दिए। अब आती है राज्य सरकार माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की बात, तो उनने कहा था कि 0% ब्याज पर कर्जा देंगे, दिया। उनने कहा था कि कन्यादान विवाह योजना लागू करेंगे, लाडली लक्ष्मी लागू करेंगे, कर दिए। कमलनाथ जी निभा नहीं पाए वचन, न तो कर्जा माफ कर पाए, ना बेरोजगारों को बेरोजगारी दे पाए, भत्ता दे पाए। तो ये कटाक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक बार कमलनाथ जी ने कहा था ना कि धोखे की वजह से इनने धोखा दिया, इसलिए सरकार मेरी चली गई, तो उसका जवाब है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना के इस काल में वेबिनार के माध्यम से कार्य संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, कृषि हमारा प्रमुख लक्ष्य है। शिवराज सरकार में हमेशा किसान और कृषि पर ध्यान दिया गया है। हमारी सरकार में प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये उसकी परिकल्पना है। सेमिनार होती थी, अब वेबिनार है। इस महामारी के दौर में हम किस तरह से वेबिनार के माध्यम से भी प्रदेश के हितों की चिंता करें और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाते गए, ये सोच माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का है। विपत्ति काल आपत्ति काल में भी हम अगर निर्माण की सोचते हैं, विध्वंस काल में भी अगर निर्माण की सोचते हैं, तो ये एक सार्थक पहल है। इस मध्य प्रदेश को उन्नत बनाने के लिए आपने देखा होगा कृषि कैबिनेट कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई। कृषि हमारी प्राथमिकता है, कृषि हमारा फोकस है। हमने 5-5 कृषि कर्म पुरस्कार मध्य प्रदेश के अंदर पाए। मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा सर्वाधिक शिवराज सिंह जी चौहान के समय में पड़ा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।